डॉक्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो आज दिल्ली के असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं 8 फरवरी जिसका जो जो इलेक्शन है, तो मदीन इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ रही है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि इस बात की जानकारी खुद AIMIM के जो दिल्ली इंचार्ज है हातिम सेठ, उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ दी। उन्होंने यहां तक बताया कि ना ही AIMIM चुनाव लड़ रही है और ना ही किसी को सपोर्ट कर रही है। तो देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं 8 फरवरी जिसका जो जो इलेक्शन है, तो मदीन इत्तेहाद मुस्लिमीन यहां से इलेक्शन नहीं लड़ रही है और मदीन इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी सपोर्ट नहीं करेगी और इंशाअल्लाह ताला मदीन इत्तेहाद मुस्लिमीन बहुत मजबूती से आने वाले 2022 के MCD इलेक्शन के अंदर बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। ये आप लोगों को, आप लोगों के जरिए तमाम अवाम, दिल्ली की अवाम को ये इतला दी जाती है कि मदीन इत्तेहाद मुस्लिमीन कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ना कोई पार्टी को सपोर्ट करेगी, ना कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी सपोर्ट करेगी। मदीन इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये फैसला सदर मजलिस बारिश सरसुद्दीन अवैसी साहब का फैसला मैं आपको सुनाने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर हम MCD इलेक्शन बहुत मजबूती से लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला और पूरे वार्ड में लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ सवाल है तो आप बताइए, ना लड़ने की वजह क्या है, क्यों नहीं लड़ाया, क्या वजह? सर अभी नहीं लड़ने की वजह कुछ नहीं है, हालांकि हम बहुत मजबूत है दिल्ली के अंदर, मगर पार्टी एक डिसीजन ले चुकी है इसीलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद जो है बिहार में चुनाव है और बंगाल में चुनाव है, उस पर आप वहां भी लड़िएगा बंगाल में? ये देखिए पार्टी का डिसीजन है, मैं दिल्ली का इंचार्ज हूँ, मैं दिल्ली के ताल्लुक से आपसे बात कर सकता हूँ। ये जो कुछ भी रहेगा, दूसरे स्टेट में लड़ना नहीं लड़ना, ये सदर मजलिस सरसुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर रहेगा। मैं दिल्ली के ताल्लुक से आप बात करिए, दिल्ली का इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बराबर जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आदम साहब, आपकी पार्टी पे एक इल्जाम लगता है कि आप जहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ BJP को फायदा पहुँचाते हैं, या ठीक है भाई? आप ये सवाल तो जो है ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से भी नेशनल मीडिया करती है। अगर ये इल्जाम लगता है तो आप लोग सोचिए, आज इल्जाम लगने से पहले जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ यही इल्जाम था कि जहाँ पर भी मजलिस जाती है और जो है ना BJP को फायदा होता है उनके, क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? यही हुआ ना, सब लोग सगे सगे बन गए एक साथ, क्या मजलिस नुकसान पहुंचेगी किसी को? मजलिस वहां पर कितने सीट लड़ी थी ये सोचिए आप। और ये जवाब तो बहुत ही जो है ना आम जवाब आप लोगों का सवाल है, ये सवाल का जवाब आप भी ढूंढ सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं तो कोई खास रीजन तो बताइए क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ने के जो है ना कोई रीजन नहीं है, हम हालांकि बहुत मजबूत थे मगर कुछ समीकरण ऐसे हैं कि हम लोग, हमारी सदर, हमारी टीम ने, हमारे सदर साहब